संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धोनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धोनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती? ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। पितामह, मेरे होने वाले मामा श्री, क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मित्र, मित्र का असंभव है, ये असंभव है। ये इसे तुमने ही तो संभव बनाया है दुर्योधन। Oh,
इस युद्ध के जन्मदाता तुम ही हो। ध्यान से देखो इसे, ये कुरुक्षेत्र है, ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है दुर्योधन, तुम्हारे छल का निष्कर्ष है, ये तुम्हारे मद का, तुम्हारे कर्मों का फल है दुर्योधन, ये उस पाप का परिणाम है दुर्योधन जो भरी सभा में याज्ञसेनी के साथ हुआ, ये उस श्राप का परिणाम है जो पांचाली के धधकते हृदय से निकला। देखो मूर्ख, मृत्यु तुम्हें पराजित कर चुकी है और तुम विजय का स्वप्न देख रहे हो। माया है, माया नहीं दुर्योधन, तुम्हारे कर्मों की छाया है, यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का। युद्ध की चाह थी ना तुम्हें, महाविनाश देखने की इच्छा थी तुम, ठीक युद्ध मिलेगा तुम्हें, महाविनाश देखोगे तुम। तुमसे पहले भी बहुत अहंकारी आए और उनका भी अंत मैंने इसी प्रकार किया। मनुष्य क्या, मैं तो सौर मंडल का सृजन और विनाश करता हूं, देखना चाहोगे तो देखो। उधर देखो दुर्योधन, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सब सब मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या तुम्हारा अहंकार है दुर्योधन, मिथ्या ये सभा है, सत्य तो वो है जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए, वो सत्य जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। सत्य केवल मैं हूं दुर्योधन, शेष सब मिथ्या। ये सब माया है, तुम साधारण मनुष्य हो और कुछ नहीं हो। आश्चर्य है, परंतु इसमें तुम्हारा क्या दोष? जब मनुष्य में अहंकार तो वो सत्य केवल आकार से पहचानता है, तो आकार देखो दुर्योधन। Yeah.
शांति दी दुर्योधन और तुमने स्वीकार नहीं की। मैंने मैत्री दी परंतु अपने अहंकार के आगे तुम्हें मैत्री का मूल्य समझ नहीं आए। मैं प्रेम लाया था परंतु तुमने युद्ध मांगा दुर्योधन, तो सुनो अब युद्ध होगा। मैं जीवन का संदेश लाया था, तुमने मृत्यु का विकल्प चुना, तो मैं मृत्यु दूंगा। तुम्हें अनुमान नहीं दुर्योधन कि यह युद्ध कितना भयंकर होगा। महासंहार होगा, पापियों के प्रत्येक भागीदार का अंत होगा यह महाभारत। संधान करो पार्थ, मुक्त करो राजे को। सभा में इतनी शांति क्यों है? कोई बताएगा मुझे आखिर हो क्या रहा है? सत्य देखने के लिए तन के दृष्टि की नहीं मन के दृष्टि की आवश्यकता होती है धृतराष्ट्र। यति ने तुम्हें दृष्टि नहीं परंतु आज इस क्षण के लिए मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। कदाचित तन की दृष्टि से देखकर तुम मन की दृष्टि का सत्य समझ पाओ धृतराष्ट्र। नहीं चाहिए ये दृष्टि मुझे, वापस ले लो। ये क्या अनर्थ दिखा दिया मुझे वासुदेव, ले लो वापस ले लो। जो सबने देखा वही अंत है और वही नया प्रारंभ, परंतु ये आप सबको स्मरण तब होगा जब ये वास्तविक में आप सबके साथ घटित होगा। वासुदेव
इस महायुद्ध, इस महाभारत की घोषणा करता हूं। स्मरण रखना दुर्योधन, तुम्हारे इस अभिमान के साथ साथ तुम भी इस धरा पर ऐसे गिरोगे कि कभी उठ नहीं पाओगे। इस महाहिंसा, इस महाविनाश के उत्तरदायित्व का बोझ तुम अपने साथ दूसरे लोक लेकर जाओगे दुर्योधन। केशव, मुझे सदा से भान था कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आज जो मैंने देखा उसके पश्चात मेरे साथ आओ मित्र, ये स्थान अब वार्ता करने के लिए उचित नहीं रहा। यहां शब्दों का कोई मोल नहीं, यहां शब्द केवल सुने जाते, समझे नहीं जाते। आओ मेरे साथ। केशव, एक बार आप मेरे सारथी बने थे, आज एक और मुझे दीजिए केशव। बुद्धि कर्म प्रीति में तुम्हें सारथी के रूप में पाकर गौरवान्वित तो मैं हो जाऊंगा मित्र। कृष्णा कहो या कर्ण कहो, है दोनों एक समान। ठीक है। कृष्णा कहो या कर्ण कहो, है दोनों एक समान।